नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी रसोई रूपल की रसोई में। आज हमने तैयार करे हैं पनीर से गुलाब जामुन, जो आपको अच्छे लगेंगे। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कीजिए। पनीर के गुलाब जामुन बनाने के लिए लिया है मैंने 200 ग्राम पनीर, 4 चम्मच लिया है हमने मिल्क पाउडर, 4 चम्मच मैदा, 1 चम्मच ली सूजी, साथ ही हमने चाशनी बनाने के लिए 1 प्याला चीनी और 4 इलायची का पाउडर लिया है। चाशनी बनाने के लिए हमने जो चीनी ली थी, एक बाउल हम चीनी डालेंगे, उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे गैस पे। चाशनी बनने हमने रख दी, हम इसे हिलाते हुए मिक्स करते हुए चाशनी बनाएंगे। इसमें हम डाल देंगे हमने जो इलायची का पाउडर पीस के रखा था उसे डाल देंगे और मध्य आंच पे से चाशनी बनने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। हमारा जो पनीर है हम उसे एकदम बारीक मैश कर लेंगे मिक्सर की सहायता से। एकदम पनीर को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया एकदम बारीक। अब हम इसमें मिलाएंगे जो हमने मैदा लिया था 4 चम्मच, उसे मिक्स करेंगे, साथ ही मिल्क पाउडर वो 1 चम्मच सूजी जो हमने ली थी, उन्हें सब चारों सामानों को हमें बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। 10-15 मिनट तक हम इस प्रोसेस को करेंगे जिससे अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और एकदम चिकना हो जाए। चाशनी को भी हमें बीच बीच में मिलाते रहना जिससे चिपके ना और चीनी अच्छी तरह घुल जाए। दो सौ ग्राम पनीर में मैंने जो मिल्क पाउडर, मैदा और सूजी ली थी उसका नाप मैंने 1 चम्मच से लिया था। साथ ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, चौथाई चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इसके साथ हम इसे मिक्स करेंगे। दस पंद्रह मिनट तक हमने पनीर और सारे सामान को अच्छी तरह मिक्स करा है, साथ ही हमारी चाशनी भी बन रही एक तरफ। अब हम इसकी गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसके बराबरी के पीस काट के गुलाब जामुन तैयार करेंगे। इस तरह आप हाथ में लीजिए, गोल बनाइए। इस तरह हम सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लेंगे। तो हम गुलाब जामुन का गोला तैयार करते हैं तो एकदम चिकना होना चाहिए और टाइट होना चाहिए जिससे कहीं से फटे नहीं। तलते वक्त आप इसे दबा के प्रेस करके बनाइए इस तरीके से। चाशनी को हम चेक करेंगे, आप उंगली में लेके देखिए, इस तरह से एक तार की चाशनी बनती है तो गुलाब जामुन के लिए परफेक्ट है। अब गुलाब जामुन को हम फ्राई करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, गैस को हम एकदम सिम रखना है जिससे गुलाब जामुन अंदर से पक जाए, वरना बाहर से तो काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। मध्यम मध्य आंच पे हमको गुलाब जामुन को फ्राई करना है। हल्के हाथ से आप दूर कर दीजिए, ऐसे एकदम गैस को सिम रखिए, उसे फ्राई होने देंगे। गुलाब जामुन को आप किसी चक्कू या कांटे की सहायता से हिलाते रहिए जिससे चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। गैस को हमने एकदम कम रखा है और गुलाब जामुन को हिलाते हुए हम एकदम गैस को कम रखते हुए इसको पकाएंगे। ये देखिए गुलाब जामुन लगभग फ्राई हो चुके हैं, अच्छी तरह से गुलाबी हो चुके हैं। गैस को हमें कम ही रखना है जिससे अंदर से भी पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए एकदम ब्राउन कलर हो रखा है डार्क इसका, इसको निकाल के हम सीधे चाशनी में डाल देंगे गरम ही। उसी तरह हम और भी गुलाब जामुन को तल लेंगे। इसी तरह हमने सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया है और इसे हम चाशनी में डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे और उसे 1-1.5 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ देंगे जिससे गुलाब जामुन अच्छी तरह चाशनी पी ले। इस तरह हिलाएंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे नहीं तो फूट जाएंगे। और 1-1.5 घंटे के लिए हम इसे चाशनी में छोड़ देंगे इस तरह से। 1-1.5 घंटे हमने चाशनी में गुलाब जामुन को भिगो के रखा था, ये अच्छी तरह इन्होंने चाशनी पी लिए। और ये देखिए किस तरह से सॉफ्ट अच्छे से गुलाब जामुन हमारे तैयार हुए। जिस मेजरमेंट से मैंने वीडियो बनाया उसी से आप बनाइए, आपके भी गुलाब जामुन इस तरह से परफेक्ट बनेंगे।
साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी भूल जाते हैं, उसे जरूर कीजिए।